ये कोड वर्ड है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी तीनों गुण रूपी शाखाएं। ये विषय परवाल संस्कृत भी दिशा देखो, विषय परवाला शाखा ये है, आदि योनि रूप शाखाएं हैं, विषय भोग वाली शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है, ये ऊर्ध्व माने ऊपर और नीचे फैली हुई, मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी लोक मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने की या फंसाए रखने की भी मूलानी मुख्य कारण है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों गुण। और नीचे और ऊपर ये सभी लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर यानी पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक, तीन लोक पर इन तीनों प्रभुओं की जो है ना रेंज है, इनकी प्रभुता है फैली हुई। अब यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये तीन गुण क्या है, जब ये समझना होगा आगे। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इसमें दिखाते हैं ये रजगुण ब्रह्मा कहो, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी कहो, चाहे तीनों गुण कहो, एक ही बात। ये देखिएगा ये मार्कंडेय पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 122 पृष्ठ पे नीचे आते हैं। यहाँ मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे हैं। अब हम आते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। अब ये यहाँ से कोड वर्ड समझना, वो तीनों गुण कौन हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अपने आत्माओं समझदार को संकेत ही बहुत होता है, फिर भी ये अज्ञान इतना कर दिया इन अज्ञानियों ने, नकली ऋषि गुरुओं ने, आप जी को प्रमाण ना दिखाए जाएंगे तो आप मान नहीं सकते, इसलिए आपको रह रहकर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चार पांच प्रमाण आपको दिखाए जाते हैं, तब ये मन स्वीकार करता है, जब आत्मा मानती है सचमुच हम गलत कर रहे थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहाँ से छपी है, अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम स मातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, इसका हम तीसरा सकंद दिखाएंगे आपको। अथ श्रीमद्देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं, ये पृष्ठ 11 है देवी भागवत तृतीय सकंद अध्याय 5, इसका मंत्र नंबर 8। भगवान शंकर कहते हैं अपनी माँ से पूछ रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं। अब यहाँ देखो, अब संस्कृत पढ़ेंगे हम, इसमें संस्कृत भी साथ है, एक और सुविधा हमारे लिए। 8वां श्लोक है, यदि दया दर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को, कमल जय मन ब्रह्मा को रजोगुण संभव, सुविहित किमो सतोगुण हरि और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। अब तीनों गुण रूपी शाखा परमात्मा ने कहा था कबीर परमेश्वर ने, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहते इस ब्रह्म को, सर पुरुष को, ज्योति निरंजन काल को, और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। अब गीता जी बता रही है कि 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो पत्तों सहित बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक नारे नारे विभाग बताएगा, सह वेदवित
वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी जमीन से बाहर, पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है पेड़, वो पेड़ कहलाता है। उसके क्या पार्ट हैं? ये तना होता है पेड़, तो तने से, तना तो अक्षर पुरुष है, और उससे एक मोटी डार निकली, वो सर पुरुष है, यानी ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है। और उस डार के तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं, दुर्गा के इनकी माता है। और उससे आगे हम हैं पात रूप संसार, अपुण आत्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 को ये दास इसलिए आपके समक्ष रूबरू कर रहा है कि इसमें ये लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी इस गुत्थी को काट कर, सुलझा कर, समझ कर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर साधक फिर पुनः संसार में कभी नहीं आते। उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है, उनको शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, और उसी की साधना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता फाइनल कर रहा है। अब आप श्री मद भगवत गीता जी को पढ़िए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था बुछड़े मूड किसान, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, गुरु तो ये नकली भी थे जी, ना आज तक वेद समझे ना गीता समझी, ये गुरु नहीं थे, ये नकली थे सभी, जिन्होंने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया, काल के जाल में फंसा रखा है। और इन्होंने आज तक वेदों का ज्ञान नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, ना सतियों के ऋषियों को नहीं, वर्तमान क्या को, तो होना कहाँ से है, किसी को वेदों का ज्ञान नहीं था। अपुण आत्माओं, ये शब्द दास कहे, ये कुनिन से भी कटु हैं, लेकिन इनको आपको ये प्रमाण जब आपको दिखाए जाएंगे तो ये आपको कुनिन नहीं, ये बूरा की तरह मीठे लगेंगे, शुगर की तरह। अभी आपको पहले ये दिखाते हैं 15वें अध्याय का 1-4 और 16 और 17। उसके बाद दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज्ञानी थे, वेद नहीं जानते थे, वेद ज्ञान नहीं था इनको, और हम इनको भगवान मान रहे थे, इनकी पूजा करते थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र है। अब बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद, जिसके छंद विभाग पत्ते सहित जो हैं सब पत्तों सहित जानता है, यह तम वेद जो उसको जानता है, अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह हमने पढ़ लिया, आपने दूसरा भी पढ़ लिया। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, इस संसार वृक्ष का स्वरूप। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूँ, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी मेरे और तेरे गीता जी के विचार काल में, इस डिस्कशन में गीता जी का ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे इसका कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञानदाता हाथ खड़े कर रहा है, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति, यानी ये खुद परिचित नहीं है, इसलिए कह रहा है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम
अति दृढ़ मूल वाले ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि मूल जड़ पूर्ण परमात्मा है, वो स्थान शाश्वत स्थान है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो दृढ़ स्थान है। इस पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन छित्वा, विराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से के द्वारा काट कर, यानी इसको समझ कर जान कर तत्वदर्शी संत को की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी दुर्गति नहीं होती जैसे अब मारीचि और सुखदेव जी की हो रही है और सुखदेव जी की हुई, फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने सौर्य ब्रह्मंडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा की भक्ति के लिए दृढ़ता से कह रहा है। अपुनात्मा परमात्मा का पाना बहुत आसान है, ये आपके हृदय में निश्चय होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये फाइनल है और यही भगवान है, ये कठिन है। जब तक ये नहीं होगा तो आप भ्रमित रहोगे, काल के दूत आपको भटकाते रहेंगे और फिर आपका पतन शुरू हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भांति भांति के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्म तत्व पर, तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होगी। तो पुण्यात्मा दास का प्रयत्न है कि आप जी को तत्व ज्ञान से ऐसा रंग दूं, आपके समक्ष से ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के डिस्कस कर लें, आप उनको ज्ञान में पराजित कर दो और उनकी बात तमाम नहीं आ सकते, तब आप सफल होगे, काल के जाल से बाहर निकल पाओगे। अब दास आपको तत्व ज्ञान समझा रहा है, ये लोक वेद दंत कथा बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा, ये ताली बजा बजा नाच नाच के पता नहीं कितनी सुन रखी तुमने, उससे क्या लाभ होगा, ना भगवान का पता ना उसके ज्ञान का पता, और बात करें सतलोक दान की, तो उस ज्ञान से हटाना है आपको और तत्व ज्ञान सतमार्ग पर आपको लगाना है, इसलिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है। अब प्रसंग चल रहा है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, आप जिन ये चित्र देखा ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। परमेश्वर ने कबीर जी ने कहा अक्सर पुरुष एक पेड़ है, ये तो तना तो समझो अक्सर पुरुष है, और सर पुरुष ये ज्योत निरंजन ये इसकी डार, और तीनों देवारज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण जीव शिव जी रूपी शाखा है और ये पात्र रूप संसार है। और गीता जी ने ये लिखा 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि इनके सभी विभागों को, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर पुरुष कहो परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो इसको जो विस्तार से बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। अब आप जी को दिखा रहे हैं 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक जिसमें तीनों भगवान, तीन पुरुष, सर पुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी बताई है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसके बाद वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तो इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता वो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और पूरे आध्यात्मिक मार्ग से, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और यहाँ इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब अर्जुन ने पूछा उस 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, अपने आत्माओं तीन परमात्मा जो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अब इस
काल ने गीता का ज्ञान बोला, श्री कृष्ण में प्रवेश।